हेलो दोस्तों, मैं नवाज आप सभीओं का वेलकम करता हूं इस चैनल पर। सो वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो ऑफ एक्सेल सीरीज, जिसमें हम बात करने वाले हैं एनएन और फंक्शन की, जो कि आपके लॉजिकल फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला एनएन और फंक्शन पे आगे बढ़ने से पहले मैं ये एनएन और का कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना चाहूंगा। तो मैं सबसे पहले आपसे ये सवाल करता हूं कि व्हाट डू यू मीन बाय एनएन और। ओके, हम एक्सेल की बात नहीं कर रहे, हम आउटर एक्सेल की बात कर रहे हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एंड और। बिकॉज ये कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमको एन एंड और के बीच का डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। ओके, चलिए मान के चलिए, अब मैं बताता हूँ आपको ये दोनों के बीच का डिफरेंस। तो अगर मैंने आपको मोबाइल स्टोर पे लेके चला गया, ओके, और आपके सामने मैंने तीन मोबाइल रख लिए, ओके, आपके सामने तीन मोबाइल रख लिए, अब मैंने आपसे कहा कि चूज एनी ऑफ देम, ठीक है, तो आपने मुझसे कहा कि मुझे ये तीनों के तीनों मोबाइल चाहिए, आई वॉन्ट दिस एंड आई वॉन्ट दिस एंड आई वॉन्ट दिस। इसका मतलब आपको तीनों के तीनों मोबाइल चाहिए, तभी जाके आप खुश हो जाओगे, या तो आपका कंडीशन मेट हो जाएगा या आपकी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। ओके, तो इस सिनेरियो में हम अप्लाई करेंगे एंड, बिकॉज आपको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए और वो भी चाहिए, आपको सारे के सारे मोबाइल चाहिए जितने मैंने आपको तीनों मोबाइल दिए। ओके, वैसे ही अगर और फंक्शन की बात की जाए, तो और जो होता है ये काफी गरीब फंक्शन होता है। ओके, गरीब बोले तो सिंपल फंक्शन होता है, इसको सारे के सारे नहीं चाहिए, इसको कोई भी एक दे दो तो खुश हो जाएगा। जैसे अगर मैंने इसको तीन मोबाइल रख दिए, तो ये मुझे बोलेगा मुझे तीनों में से कोई भी एक दे दो चल जाएगा करके, मुझे तीनों की जरूरत नहीं है। इसका मतलब एंड जो होता है ये बहुत डिमांडिंग फंक्शन होता है, इसको सारे के सारे आपकी जितने लॉजिक्स होते हैं सारे के सारे लॉजिक मेट होना जरूरी होता है। वैसे ही अगर और फंक्शन की बात की जाए, तो और ये बोलता है कोई एक लॉजिक भी मेट हो जाए तो चल जाएगा करके। तो चलिए एक काम करते, एक्सेल में इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो एक्सेल में भी यही कॉन्सेप्ट है, बट यहाँ पे एक्सेल में जब भी एंड एंड और की बात होती है, तो यहाँ पे मल्टीपल लॉजिक टेस्टिंग की बात होती है। ओके, यानी यहाँ पे आपको लॉजिक्स देने होते हैं कि अगर मान के चलिए मेरे पास तीन लॉजिक्स है, तो तीनों के तीनों लॉजिक जब मैट होंगे, अगर लॉजिक की बात की जाए, तो लॉजिक शुड रिजल्ट टू ट्रू एंड फॉल्स। तो आपको ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, आपके लॉजिक का एंड रिजल्ट जो होता है यहाँ पे ट्रू और फॉल्स होगा, और ट्रू और फॉल्स जो रिजल्ट निकालते हैं वो आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स का काम होता है, ट्रू और फॉल्स में रिजल्ट निकालना। तो आपको ये ध्यान में रखना है, ऐसा आपको लॉजिक देना है जिसका फाइनल आउटपुट ट्रू और फॉल्स होगा, बिकॉज एंड एंड और फंक्शन को आप क्या इनपुट दे रहे हो उससे मतलब नहीं है, दैट इनपुट शुड रिजल्ट टू ट्रू एंड फॉल्स, बिकॉज एंड एंड और फंक्शन जो होता है एट दी एंड ट्रू एंड फॉल्स को कंसिडर करता है, ना कि आपके लॉजिक को। तो चलिए मान के चलिए हम यहाँ पे लॉजिक नहीं देंगे, हम यहाँ पे मान के चलिए अगर कंडीशन मेट हो रही है तो हम डायरेक्टली ट्रू डाल देंगे, वरना हम फॉल्स डाल देंगे। ओके, तो हम यहाँ पे जैसे मैंने तीन मोबाइल की बात की थी, वो आउटर एक्सेल की बात की थी, अब हम एक्सेल की बात करते हैं। चलिए, मैंने यहाँ पे फर्स्ट मोबाइल मैंने उसको दे दिया, तो मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए ट्रू डाल देता हूँ। तो देखिए, मैंने जैसे ट्रू डाला, एंड फंक्शन जो है वो ट्रू हो गया है और फंक्शन भी ट्रू हो गया है, बिकॉज अभी हमने सिर्फ उसको एक दिया है तो वो खुश है। ओके, मैंने एक काम करता हूँ, मैं दूसरा भी यहाँ पे मोबाइल उसको दे देता हूँ। ओके, मैं बोला तीन में से दो मोबाइल ले ले बाबा तू, तो फिर भी वो खुश है, बिकॉज एंड ने ये कहा है कि अगर तीन मोबाइल है कि तो तीनों के तीनों मोबाइल मुझे चाहिए, और बोलता है कि कोई एक भी मोबाइल मिल जाए तो चलेगा, बट फिलहाल हमने और को भी दो मोबाइल दे चुके हैं और वो भी खुश है और एंड भी खुश है। वैसे ही मैं और एक काम करता हूँ, जो तीसरा मोबाइल है मैं ना एंड को देता हूँ ना और को देता हूँ। देखिए, जैसे ही मैं यहाँ पे फॉल्स डाल दिया, अब देखो आपका जो एंड था ये दुखी हो चुका है और इसने आपको फॉल्स आउटपुट दे चुका है। और देखो, और जैसे कहा था कि एक मोबाइल भी दे दोगे तो मैं खुश हूं, तो देखो दो मोबाइल देने के बाद और भी खुश है, तो वो ट्रू का ट्रू ही है। चलिए मान के चलिए मैंने सेकेंड मोबाइल दोनों को नहीं दिया, तो वैसे भी आपका एंड जो बोलता है मेरे को तो तीनों के तीनों चाहिए, तो ऑलरेडी उसको एक नहीं मिला तो वो दुखी हो चुका है, बट देखो और अभी भी खुश है। अब एक काम करते, तीसरा मोबाइल भी हम किसी दोनों को भी नहीं देते हैं। तो ये केस में देखो, जब तीनों के तीनों कंडीशन फॉल्स होते हैं तब जाके आपका और फॉल्स होता है, बट अगर कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाती है तो आपका और जो रहता है वो ट्रू ही रहता है, बट अगर एंड की बात की जाए तो एंड बोलता है मुझे तीनों के तीनों कंडीशन ट्रू चाहिए। तो देखिए, जैसे तीन कंडीशन ट्रू हो जाते हैं वैसे यहाँ पे आपके
यहाँ पे आपका एंड जो है यहाँ पे ट्रू हो जाता है। तो देखिए, आपको सबसे पहला ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि लॉजिक्स आपको ऐसे सप्लाई करना है जो आपका आउटपुट ट्रू एंड फॉल्स में देते हो। देखो, यहाँ पे मैंने अभी फिलहाल कोई लॉजिक नहीं लगाया, मैंने इसको डायरेक्टली ट्रू एंड फॉल्स दिया है। चलिए, अब बात करते हैं थोड़ा सा और इस चीज को समझते हैं। तो मैं यहाँ पे और एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। ओके, देखिए, मेरा नाम जो है यहाँ पे है पहला नवा, यहाँ पे नाम है, उसके बाद आपका सरनेम है और लोकेशन है। देखिए, अभी मेरा लॉजिक क्या बोलता है, मैं चाहता हूं कि सुरेश शर्मा मुंबई से होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला ये समझना जरूरी है, हमारे पास जो ये तीनों चीजें तीनों अलग सेल्स में है। ओके, तो यहाँ पे तीन अलग सेल में तीन अलग लॉजिक है। एक तो सबसे पहला नाम उसका सुरेश होना चाहिए, दूसरा उसका सरनेम जो है वो शर्मा होना चाहिए, और लोकेशन जो होना चाहिए वो मुंबई होना चाहिए। ओके, अगर ये तीनों की तीनों है तभी ही जाके मेरा रिजल्ट ट्रू होना चाहिए। ओके, तो अब यहाँ पे बात की जाए तो मान के चलिए मैं सुरेश की जगह पे रमेश कर देता हूँ। मेरा लॉजिक बोलता है कि मुझे नेम सुरेश चाहिए, सरनेम शर्मा चाहिए और लोकेशन मुंबई चाहिए। तो ये केस में देखो, आपका रिजल्ट फॉल्स हो जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पे रिजल्ट फॉल्स इसलिए हुआ है बिकॉज हमने यहाँ पे जो फंक्शन लगाया है वहां पे फंक्शन को बोला है कि भाई ये तीनों के तीनों लॉजिक जो है जब ट्रू होंगे तभी ही जाके तुझे ट्रू होना है। और तीनों के तीनों लॉजिक क्या है, सबसे पहला रेंज B24 में सुरेश होना चाहिए, उसके बाद रेंज C24 में शर्मा होना चाहिए, उसके बाद D24 में मुंबई होना चाहिए। तो ये फंक्शन हम कैसे लिखेंगे वो देखेंगे। सबसे पहला आपको ये कॉन्सेप्ट बताना था। तो देखिए, जैसे ही यहाँ पे सुरेश हो जाता है तो आपका यहाँ पे ट्रू हो जाता है। तो होप आपको ये बेसिक क्लियर हो गया होगा कि कब हमको यानी कैसे हम एंड एन और फंक्शन का यूज करेंगे, कि ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो चलिए आगे बढ़ के हम समझते हैं और इसको अच्छे से। तो चलिए, सबसे पहला हम एंड एन और का पैरामीटर्स देखते हैं कि हम फंक्शन पास कैसे करेंगे। तो अब मैं दिखा रहा हूं आपको एंड का। तो सबसे पहला हम शुरुआत करेंगे इक्वल टू से, फिर उसके बाद एंड पैरेंथिस ओपन होगा, उसके बाद आपका लॉजिकल वन दिया जाएगा, फिर उसके बाद लॉजिकल टू। वैसे ही हम यहाँ पे मैक्सिमम 255 लॉजिक सप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे आप देख रहे हो, जो सेकंड ऑप्शन होता है यहाँ पे ऑप्शनल होता है, इफ यू वांट टू गिव इट यू कैन गिव इट और एल्स यू कैन लीव इट। ओके, तो ये केस में हम एक लॉजिक के साथ भी आगे बढ़ सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद ये क्या बोलता है, इफ ऑल लॉजिकल रिजल्ट्स टू ट्रू देन फाइनल आउटपुट विल बी ट्रू, इफ एनी इज फॉल्स देन दी फाइनल आउटपुट विल रिजल्ट टू फॉल्स। यानी इसका मतलब ये होता है कि जैसे ही आपके सारे के सारे लॉजिक ट्रू होंगे तभी ही जाके फाइनल आउटपुट आपको ट्रू आएगा। अगर मान के चलिए कोई भी एक आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये केस में आपका ये फॉल्स हो जाएगा। तो होप आपको एंड के पैरामीटर समझ में आ गए होंगे। ठीक है, उसके बाद अगर और की बात की जाए तो और का भी सेम होता है कि पैरेंथेसिस ओपन होने के बाद लॉजिकल वन, फिर उसके बाद लॉजिकल टू, इसके बाद आप मैक्सिमम 255 सप्लाई कर सकते हो, और आपके टू सेकेंड से जो भी होते हैं वो ऑप्शनल होते हैं। ये क्या कहता है, इफ एनी लॉजिकल रिजल्ट टू ट्रू देन फाइनल आउटपुट विल बी ट्रू, इफ एनी इज फॉल्स, सॉरी इफ एनी नहीं, इफ ऑल इज फॉल्स द फाइनल आउटपुट रिजल्ट टू फॉल्स। यानी इसका मतलब ये होता है, इधर ऑफ देम शुड बी ट्रू तभी ही जाके वो ट्रू होगा। अगर सारे के सारे फॉल्स होते हैं तब जाके ही आपका वो फॉल्स होता है। तो इस केस में देखिए, हम एग्जांपल वन में यहाँ पे हमने तीन लॉजिक दिए जिसमें से एक लॉजिक आपका फॉल्स हो चुका है, उसके बाद भी ये आपको ट्रू ही देगा। यहाँ पे अगर सारे के सारे आपके लॉजिक फॉल्स होते हैं तभी ही जाके ये आपको फॉल्स देता है। चलिए हम इसको लाइफ एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अगर हम स्कूल डेज की बात करें तो हमारे स्कूल डेज में ये होता था कि जब भी रिजल्ट होता था वो आपका हैंड रिटन रिजल्ट होता था, राइट? हमारे टीचर के पास बहुत सारा काम होता था कि जब भी रिजल्ट डेज है तो उसके 2-3 दिन पहले घर पे सारे रिजल्ट्स लेके जाना, बच्चों के मार्क्स को कैलकुलेटर पे काउंट करना, और उसके बाद एक एक स्टूडेंट को देखना, और उसके बाद अगर एक बच्चे को 35 से नीचे है या एक बच्चा कोई भी एक सब्जेक्ट में फेल है तो उसको फाइनल रिजल्ट फेल देना। ओके, तो जो भी होता था वो हैंड रिटन होता था। बट अगर आज की बात की जाए तो आज अगर आप बच्चों का रिजल्ट देखो तो सारा का सारा प्रिंटेड होता है। प्रिंटेड इसलिए होता है बिकॉज जो रिजल्ट जो प्रोसेस होते हैं वो सॉफ्टवेयर्स में प्रोसेस होते हैं, और यूजुअली बहुत सारे स्कूल्स में एक्सेल का यूज किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे हम वो चीज समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये एग्जाम्पल में यहाँ पे मेरे पास 20 बच्चे हैं,
ठीक है, जो यहाँ पे तीन सब्जेक्ट लिस्ट किए गए हैं जो कि है इंग्लिश, मराठी और हिंदी, और यहाँ पे आपका फाइनल रिजल्ट है कि ये बच्चा A1 की अगर बात की जाए तो ये बच्चा इंग्लिश में पास है, मराठी में भी पास है और हिंदी में भी पास है, तो ये केस में इसका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा पास, राइट। बिकॉज रिजल्ट इस तरह से होता है कि अगर बच्चा कोई भी एक सब्जेक्ट में फेल है तब जाके वो फेल होता है, राइट। अगर वैसे ही अगर सेकेंड स्टूडेंट की बात की जाए तो देखिए ये इंग्लिश में फेल हो चुका है, इसका मतलब ये फेल है, और मराठी में पास है, हिंदी में पास है, अगर दोनों में से, यानी हम ये चाहते हैं कि तीनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट में फेल है तो वो फेल है। तो चलिए हम अभी यहाँ पे समझना है कि यहाँ पे हमको कौन सा फंक्शन हेल्प करेगा ये रिजल्ट निकालने के लिए। तो सबसे पहले ये समझना है कि जब भी मल्टीपल लॉजिक्स का काम होता है, जब भी हमको मल्टीपल लॉजिक्स टेस्ट करना होता है, उसी टाइम पे हम एंड एन और फंक्शन को पिक्चर में लेके आते हैं। देखिए यहाँ पे तीन डिफरेंट सेल्स में आपके रिजल्ट्स है, राइट। इंग्लिश के लिए एक सेल है, मराठी के लिए एक सेल है, हिंदी के लिए एक सेल है। अब ये तीनों सेल को एक सेल में हमको कंपेयर करके रिजल्ट डिक्लेयर करना है, राइट। तो यहाँ पे ये केस में हम यहाँ पे मल्टीपल लॉजिक्स हो गए आपके, मल्टीपल लॉजिक विल बी चेक इन अ सिंगल सेल। तो इस टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि वेन एवर देर आर मल्टीपल लॉजिक्स टू चेक इन अ सिंगल सेल, दैट टाइम आपका एंड एन और पिक्चर में आता है। ओके, अब समझते हैं कि एंड या और ये दोनों में से हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे। तो चलिए मेरा दिमाग ने क्या बताया कि एक बच्चा पास कब होगा, एक बच्चा तभी ही पास होगा जब उसको सारे सब्जेक्ट में पास होगा, राइट। यानी उसको इंग्लिश में भी पास होना है, मराठी में भी पास होना है, हिंदी में भी पास होना है, तभी ही जाके वो पास होगा। तो ये केस में अब तीनों के तीनों लॉजिक जो है आपके मेट होना चाहिए, यानी इसका मतलब तीनों के तीनों कंडीशन मेट होना चाहिए, तभी ही जाके आपका फाइनल आउटपुट आपका मेट होगा। तो इस केस में हम यहाँ पे एंड का यूज करेंगे। ओके, अब एंड में हम क्या करेंगे, C2 में जाएंगे और चेक करेंगे वेदर दिस स्टूडेंट इज पास। आपको ये ध्यान नहीं रखना है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे पास होने दो या फेल होने दो, हमको ये चेक करना है कि भाई ये इंग्लिश में पास है क्या नहीं है। वैसे ही मैं D2 में जाता हूँ, D2 में भी चेक करता हूँ यहाँ पे पास है क्या नहीं है, वैसे ही मैं यहाँ पे E2 में जाके भी चेक करता हूँ पास है क्या नहीं। देखिए मैं पास के लिए डबल कोट्स डाल रहा हूँ, बिकॉज जब भी हम कंपैरिजन में टेक्स्ट का कंपैरिजन होता है तो हमको उस चीज को डबल कोट में लिखना होता है। अगर आपको ये डबल कोट का लॉजिक क्लियर ना हो तो मैं आपको ऊपर आई आइकॉन में डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूंगा जहां पे आपको क्लियर हो जाएगा, बिकॉज उसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो क्रिएट किया है, तो उस वीडियो को आप रेफर कर सकते हो अगर आपको ये डबल कोट्स का लॉजिक क्लियर ना हो तो। ओके, तो यहाँ पे हम हिट करते हैं एंटर। अब देखिए ये ट्रू आ चुका है, ट्रू इसलिए आया है बिकॉज यहाँ पे सारे सब्जेक्ट में ये बच्चा पास है। अब इस फॉर्मूला को हम कॉपी पेस्ट नीचे तक कर देते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे सेकेंड जो है ये बच्चा आपका यहाँ पे एक सब्जेक्ट में फेल हो चुका है, इसीलिए यहाँ पे फॉल्स आया। इसका मतलब ट्रू का मतलब है बच्चा पास हो गया है, फॉल्स का मतलब है बच्चा फेल हो चुका है। ओके, वैसे ही अगर मैं आपसे कहूँ कि ये चीज को हम और से कर सकते हैं क्या, तो मैं कहूंगा हाँ और से भी कर सकते हैं। अगर और से करना है तो हम इस चीज को कैसे करेंगे, सबसे पहला ये समझते हैं। ओके, मैं बोलता हूँ और से हम ये तो नहीं चेक कर सकते हैं कि बच्चा हर सब्जेक्ट में पास है क्या, राइट। अगर और से चेक करेंगे तो ये सेकेंड केस में देखो यहाँ पे एक तो पास मिल रहा है, इसका मतलब ये बाय डिफॉल्ट आपको ट्रू ही देगा, राइट, विच इज रॉन्ग। तो अगर और से करना है तो हम कैसे करेंगे, मैं बोलता हूँ एक बच्चा फेल कब हो सकता है, राइट। तो अगर कोई एक सब्जेक्ट में फेल है इसका मतलब वो फेल हो चुका है, तो हम यहाँ पे और से ये चेक कर सकते हैं कि तीनों में से कोई सब्जेक्ट में तो बच्चा फेल हुआ है क्या। तो हम यहाँ पे आते हैं और लिखते हैं, और हम चेक करेंगे वेदर C2 इज इक्वल टू वॉट फेल है क्या, वेदर D2 इज इक्वल टू वॉट फेल है क्या, और थर्ड वन वेदर E2 इज इक्वल टू क्या फेल है क्या। हम यहाँ पे तीनों लॉजिक चेक किए कि वेदर तीनों में से कोई तो सब्जेक्ट में फेल है के, तो यहाँ पे आपका फॉल्स आ चुका है बिकॉज यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट में ये बच्चा फेल नहीं हुआ है। अब ये फॉर्मूला को हम कॉपी पेस्ट करते हैं। देखिए सेकेंड वाला यहाँ पे एक में फेल हो चुका है, इसीलिए यहाँ पे आपका ट्रू आ चुका है। वैसे ही थर्ड वाले की बात की जाए तो ये सारे सब्जेक्ट में पास है, इसी के लिए यहाँ पे फॉल्स आ चुका है। तो अगर और का यूज करोगे तो फॉल्स इंडिकेट्स कि वो पास हुआ है, और अगर ट्रू आ रहा है तो ट्रू इंडिकेट्स कि वो बच्चा फेल हुआ है करके, ठीक है। अब हम और एक एग्जांपल के साथ इस चीज को समझते हैं।
अब यहाँ पे भी आपके सेम 20 बच्चे हैं, यहाँ पे भी इंग्लिश मराठी और हिंदी है, बट यहाँ पे आपके पास मार्क्स है, ठीक है। मार्क्स ये कहते हैं कि एक बच्चा आपका पास कब होगा, तो मैं ये कहता हूँ कि एक बच्चे को 35 या 35 से ऊपर सारे सब्जेक्ट में मिलेंगे तब जाके आपका बच्चा पास होगा, राइट। यानी इसका मतलब यहाँ पे मुझे ये चेक करना है कि वेदर ये बच्चे को सारे तीन सब्जेक्ट में 35 से ऊपर मार्क्स मिले हैं क्या। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे एंड का, एंड से हम ये चेक करेंगे कि वेदर C2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 35, ये उसको 35 या 35 से ऊपर चाहिए, तो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 35 का यूज करेंगे। और हम यहाँ पे डबल कोट्स नहीं डालेंगे बिकॉज यहाँ पे हम नंबर्स दे रहे हैं, तो नंबर्स के लिए हम डबल कोट्स का यूज नहीं करते हैं। वैसे ही हमको ये भी चेक करना है कि D2 में भी उसको 35 या 35 से ऊपर है, तो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 35 इन D2 एज वेल। वैसे ही E2 में भी हमको ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 35 चाहिए। अब यहाँ पे हमने तीन लॉजिक्स दे चुके हैं, अब तीन लॉजिक्स में से हमको देखना है कि तीनों के तीनों लॉजिक यहाँ पे ट्रू होते हैं क्या। तो आपको यहाँ पे एंटर हिट करना है, देखिए यहाँ पे ट्रू हुआ है बिकॉज ये बच्चे को सारे सब्जेक्ट में 35 से ऊपर मिले हैं। अब इस चीज को हम कॉपी पेस्ट करते हैं नीचे और फॉर्मूला में पेस्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे सेकंड वाला बच्चा जो है ये बहुत ही डफर है बिकॉज ये सारे सब्जेक्ट में फेल हुआ है, इसको इंग्लिश में भी 35 से नीचे है, मराठी में भी 35 से नीचे है और हिंदी में भी 35 से नीचे है, ये सारे सब्जेक्ट में फेल हुआ है। बट अगर तीसरे बच्चे की बात की जाए तो ये बच्चे का प्रॉब्लम मराठी है। देखिए इंग्लिश में 50 ऑन एन एवरेज अच्छा है, हिंदी में भी अच्छा है, बट मराठी में इसको 5 आया है, तो बेचारा वो मराठी में कमजोर है। बट क्या कर सकते, एक सब्जेक्ट में भी फेल है तो फेल है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये चीज आई। अगर मैं और फंक्शन की बात करूँ कि सेम रिजल्ट अगर हम और से निकाले तो क्या होगा, और का मतलब ये होगा कि हमको ये चेक करना है कि ये कोई भी यानी ये बच्चे को कोई एक सब्जेक्ट में 35 से नीचे मिले हैं क्या, 35 या 35 से नीचे नहीं, आपको ये समझना जरूरी है, वरना आप यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू बोलोगे, क्योंकि हमारा 35 और 35 से ऊपर एक कंडीशन मेट हो चुकी है, यानी 35 ऑलरेडी कंसीडर हो चुका है, यहाँ पे हमको 35 से नीचे है क्या चेक करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे और, वेदर दिस इज लेस देन 35, वेदर दिस इज लेस देन 35 एंड वेदर E2 इज लेस देन 35। अब यहाँ पे आपको एंटर हिट करना है, देखिए फॉल्स, नहीं इसको एक भी सब्जेक्ट में 35 से नीचे नहीं मिलेंगे। वैसे ही अगर सेकंड की बात की जाए तो इसको तो सारे सब्जेक्ट में 35 से नीचे मिले हैं, तो ट्रू। अब यहाँ पे अगर तीसरी की बात की जाए तो तीसरा हमारा बेचारा मराठी में कमजोर वाला बच्चा, यहाँ पे देखिए एक सब्जेक्ट में ही इसको 35 से मिले, बट एज आई सेड हम कुछ नहीं कर सकते। बट आपको ये समझना है कि यहाँ पे फॉल्स का मतलब है पास और ट्रू का मतलब है यहाँ पे फेल। तो होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अब चलते हैं हमारे थर्ड एग्जाम्पल के ऊपर। देखिए थर्ड एग्जाम्पल ये कहता है कि यहाँ पे नंबर से यहाँ पे बच्चे नहीं है, यहाँ पे कुछ नंबर से, अब ये नंबर चेक करना है क्या। यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि नंबर शुड बी ग्रेटर देन 40 एंड शुड बी लेस देन 60, यानी इसका मतलब ये है ये नंबर जो है ये 40 से ऊपर होना चाहिए एंड 60 से नीचे होना चाहिए, राइट। यानी ये नंबर अगर 40 से ऊपर और 60 से नीचे है, यानी 40 और 60 के बीच में है, तब जाके ही आपका ट्रू आना चाहिए, वरना आपका ट्रू नहीं आना चाहिए। ओके, तो आप कहोगे कि यहाँ पे तो सिंगल सेल ही है, यहाँ पे हमको एंड एन और का यूज करने की जरूरत नहीं है। नहीं, ऐसे नहीं होगा। देखिए यहाँ पे भले से सिंगल सेल है बट आपके यहाँ पे दो लॉजिक है, राइट। हम एक ही लॉजिक में तो चेक नहीं कर सकते कि 35 से 40 से ऊपर और 60 से नीचे हो, राइट। यहाँ पे अभी दो लॉजिक है बिकॉज एक लॉजिक ये कहता है कि ये नंबर 40 से ऊपर है क्या, दूसरा लॉजिक ये कहता है कि यही नंबर 60 से नीचे है कि ये, तो यहाँ पे हमारे पास दो लॉजिक है। भले से एक सेल है बट एक सेल के ऊपर हमको दो लॉजिक लगाना है, तो जब भी मल्टीपल लॉजिक्स आते हैं तो हमको एंड एंड और को पिक्चर में लेना है। ओके, चलिए आप बात करते हैं एंड या और, एंड का यूज होगा कि और का, तो बहुत लोग करते हैं कि हम और से करते हैं। ओके, चलिए मैं और का यूज करके बताता हूँ कि ये सही होगा या गलत होगा। तो सबसे पहले ये चेक करना है कि B2 ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, 40 है क्या, राइट। और वैसे ही B2 लेस देन कितना होना चाहिए, 60 है क्या। ओके, मैं अब हिट करता हूं एंटर, तो यहाँ पे क्या आ गया, ट्रू, जो कि गलत है, राइट। क्योंकि मैंने कहा कि ये नंबर जो है 40 से ऊपर और 60 से नीचे होना चाहिए, यानी 41 से लेके 59 तक का कोई भी नंबर होना चाहिए,
बट ये तो 75 है जो कि 60 से ऊपर है, तो ये गलत है। और इसने मुझे दे दिया कि ट्रू हाँ है करके, जो कि गलत है। चलिए एक काम करते हैं, हम फॉर्मूला में जाके इसको इवेल्युएट करके देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो सबसे पहला देखिए हम और का यूज करते हैं, तो और क्या कहता है, कोई भी एक लॉजिक ट्रू है तो मैं ट्रू हो जाऊंगा। तो फर्स्ट लॉजिक यहाँ पे क्या है, 75 से ऊपर है क्या, तो है, तो यहाँ पे ट्रू आ चुका है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि 75 जो है 60 से नीचे है क्या, तो यहाँ पे फॉल्स हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए एक ट्रू है एक फॉल्स है, और क्या कहता है, अगर एक भी ट्रू है तो ट्रू है, तो यहाँ पे आपका फाइनली ट्रू हो जाता है जो कि गलत है। हमको यहाँ पे ऐसे नहीं चेक करना है, हमको एंड का यूज करना है। एंड से ये चेक करना है वेदर दिस इज ग्रेटर देन 40, कि ये 40 से ऊपर है। एंड हमको ये चेक करना है 40 से ऊपर तो चाहिए, साथ ही साथ ये 60 से नीचे भी चाहिए, राइट? तो हम यहाँ पे एंड का यूज करते हैं, हम यहाँ पे पैरेंथेसिस को क्लोज करते हैं, एंटर हिट करते हैं। देखिए यहाँ पे अब फॉल्स दिया, वापस से हम इवेल्युएट फॉर्मूला पे जाके इसको समझते हैं। तो हम कह रहे हैं कि 75 40 से ऊपर है क्या, तो यहाँ पे बताया ट्रू हाँ है। फिर उसके बाद हम कह रहे हैं कि ये B2 जो है ये 75 से नीचे है क्या, यानी 75 इज लेस देन 60 है क्या, तो ये भी कहा, ये कहा आपका फॉल्स। ओके यहाँ पे देखिए एंड का यूज कहा किया गया है, तो यहाँ पे एक ट्रू हो रहा है एक फॉल्स हो रहा है, इसी वजह से ये फॉल्स हो रहा है। एक काम करते हैं, हम ये फॉर्मूला को नीचे तक ड्रैग करते। ओके अब देखिए थर्ड वाला एग्जाम्पल बात की जाए, तो थर्ड वाले पे यहाँ पे आपका ट्रू आ गया है। तो ये चेक कर रहा है कि क्या ये नंबर आपका जो 50 है 50 40 से ऊपर है क्या, तो ये कहेगा ट्रू। अब ये चेक करेगा कि 50 60 से नीचे है क्या, तो ये कहेगा ट्रू। अब ये दो ट्रू हो चुके हैं तब जाके ये आपका ट्रू होता है। तो आपको ये समझ आ चुका होगा, काफी ही सिंपल है, बट मैं चाहूंगा कि इसका लॉजिक जो है आप अच्छे से समझ लो, बिकॉज ये एक्सेल का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, राइट? जब भी आपको मल्टीपल लॉजिक चेक करना होता है, जब भी नेस्टेड फंक्शंस क्रिएट करना होता है, जब भी चेक कंडीशंस लगाना होता है, तब एंड एंड और फंक्शन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपको आउटपुट निकालने के लिए। तो मैं चाहूंगा कि ये कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लो। जो भी मैंने कंटेंट आपको दिखाया है सेम टू सेम एक डमी कंटेंट आप बना लो, सबसे पहला उस पर प्रैक्टिस कर लो, देखो कि सेम रिजल्ट आपको आ रहा है क्या, तभी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सिर्फ वीडियो देके ये काम नहीं होगा, आपको ये मैन्युअली करके देखना होगा, तभी जाके आपके हाथ में वो स्पीड और आपके दिमाग में वो अंडरस्टैंडिंग होगी कि आपको ये फॉर्मूला कैसे फ्रेम करना है। तो होप गाइस आपको ये वीडियो काफी काफी यूजफुल लगा होगा। अगर लगा हो तो मैं जरूर चाहूंगा कि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच जाए जो एक्सेल स्क्रैच से सीखना चाहते हैं, जो काफी ही बेसिक एक्सेल जानते हैं और उनको एडवांस एक्सेल सीखने में काफी दिलचस्पी हो। तो प्लीज उन लोगों तक ये वीडियो जरूर शेयर करो। तो इसी के साथ ये वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, और लाइक ऑलवेज स्टे फिट स्टे ट्यून एंड स्टे हेल्दी। सो गुड बाय फॉर द डे।